सर्दी की लहर के साथ ही कोरोना की शरह में इजाफा, तमाम मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद करने की सिफारिशात। हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केट्स बंद रखे जाएं। आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश। खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की तजवीज। एनसीओसी सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। स्कूल को बंद करने बारे फैसला 23 नवम्बर को होगा। खानेवाल में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमा बहबूद आबादी की जानब से रैली का इनेकाद। महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी की शिरकत। उधर खानपुर में म्यूनसिपल कमेटी के जिला हॉल में भी हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात हुई। मदरसे के तालिबे इल्मों ने कुरान खाने की। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली, राना उस्मान गनी और बल्दिया मुलाजमीन और दीगर ने शिरकत की। त्रिकोणी कहीं शक्ल विच एक जाविया कायम करेंदा है और जाविया 90 डिग्री ते हर सूरत ठीक रखेंदा है। करो कैदा जम्मा मूद कूं वल मुरब्बा नाल घिनींदा है। कानून हफीसा गौरज दा ए वितर बराबर थींदा है। कराची वसीब में असाज़ा ने बच्चों को सबक याद कराने का नया तरीका ढूंढ लिया। मसला हफीसा गौरज हो या साइंस का मुश्किल लेक्चर, बच्चों को उनकी मादरी जबान में नज्म बनाकर आसान बना डाला। और मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, लैया में धुंध और स्मोक का जोर टूट गया। मौसम सर्द और खुश्क, सूरज की मुंह दिखाए, आसमान भी साफ हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है।